मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी ए फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंट्स टॉपिक चल रहा था और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया था प्रक्रिया और क्या लाभ बता दिए थे वित्तीय लेखांकन के कौन कौन से चक्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि इंटरप्रिटेशन करते हो, सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, किसका करते हो, वित्तीय प्रकृति के जो लेखे होते हैं, वित्तीय प्रकृति के जो सौदे होते हैं, लेन देन होते हैं, उसकी पहचान करते हो। पहचान करने के बाद जनरल करते हो, जनरल के बाद लेज़र करते हो, लेज़र के बाद आप बैलेंसिंग निकालते हो, बैलेंसिंग निकालने के बाद ट्रेडिंग करते हो, उसको क्या करते हो, बैलेंसिंग हम निकाल देते हैं। बैलेंसिंग निकालने के बाद क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, जब हम वित्तीय लेखांकन तैयार करते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, एनालिसिस कर देते हैं या इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, एक तरह से इंटरप्रिटेशन करने के बाद कम्युनिकेशन करते हैं। किससे कम्युनिकेशन करते हैं, एक तरह से जो उसका स्वामी होता है या जहाँ पे जो श्रमिक होते हैं, देनदार होते हैं, ऋणदाता होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, मतलब हमारे परिणाम जो हमारे रिजल्ट है उसका कम्युनिकेट हम, उसका संप्रेषण हम करते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब आता है वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य और विशेषताएं। तो बेसिकली वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य क्यों है, तो वैसे तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बेसिकली, या वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य के, टॉपिक है वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य। ठीक है, वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य, तो इसमें पहला जो उद्देश्य आता है वो आता है आर्थिक व्यवहारों का लेखा, आर्थिक व्यवहारों का लेखा। इसका जो पहला उद्देश्य होता है वित्तीय लेखांकन का, वो ये होता है कि जब वित्तीय लेखांकन करते समय उसको कंपनी की, व्यापारी का क्या उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना होता है, एक तरह से व्यापारी का उद्देश्य, तो कंपनी के आर्थिक व्यवहारों का वो लेखा करता है। आर्थिक व्यवहारों के अंदर ये आता है कि वो कम से कम अशुद्धि करे, कि जब अपन ने जो लेन देन की है या जो भी कार्य किए हैं व्यापार के अंदर, वो किस भी हाफ वर्क किए, एक तरह से कि उसमें हमने कितना स्टॉक रखा है, कितना स्टॉक नहीं रखा है, तो वो क्या होता है, अशुद्धियाँ कम से कम हो, या फिर जो हम लेखांकन कर रहे हैं जब उसने लेखा किया, जब लेन देन किया है, तो अशुद्धियों को कम करने के लिए, या फिर ये मान लो कि अशुद्धियों, क्योंकि हम मौखिक रूप से जो चीज करते हैं उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होगी, लेकिन मैनुअली हम वो चीज करेंगे तो अशुद्धियाँ कम होगी। तो अशुद्धियों के लिए या अशुद्धियों को जानने के लिए, अशुद्धियाँ या गबन कम से कम हो, इसके लिए वो आर्थिक व्यवहारों का क्या करता है, लेखा करता है। तो ये माना गया है कि व्यापार में लेखा कार्य करने के समय अशुद्धियों का क्या करता है, पता लगाता है। तो इसका जो आर्थिक व्यवहारों का लेखा का मेन उद्देश्य होता है अशुद्धियाँ, कि बेसिकली क्यों, इसका क्या उद्देश्य होता है कि अशुद्धियों का पता लगाना, या कोई गबन हुआ है उसका पता लगाने के लिए क्या करता है, वित्तीय लेखांकन करता है व्यापारी। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर में आता है लाभ हानि का निर्धारण। ठीक है, लाभ हानि का निर्धारण है कि जो व्यवसाय होता है या व्यापार का बेसिकली क्या उद्देश्य होता है। सबसे ज़्यादा हम कोई भी बिजनेस करते हैं या हम बिजनेस स्टडी में भी देखते हैं कि, तो पहला मेन उद्देश्य होता है कि इस लाभ कमाना। ठीक है, अब लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लाभ कमाने के लिए उसे वित्तीय लेखांकन बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या उद्देश्य होता है कि लाभ हानि का निर्धारण करना, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि कंपनी के कितना लाभ अर्जित किया है या कितने हानि में वो कंपनी गई है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरह से वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य होता है, या ये मान लो कंपनी का उद्देश्य होता है। तो पहली चीज़ तो आती है अशुद्धियों का पता लगाना, और दूसरी चीज़ होती है लाभ का पता लगाना, या लाभ कम से कम हानि हो और अधिक से अधिक लाभ हो, इस उद्देश्य से वो क्या करता है, वित्तीय लेखांकन प्रिपेयर करता है। फिर नेक्स्ट आता है
दिखाता है वित्तीय स्थिति का चित्रण। वित्तीय स्थिति का चित्रण होता है कि क्या वित्तीय स्थिति हुई है, इसके अंदर बनता है बैलेंस शीट। किसके माध्यम से पता लगाता है वो, बैलेंस शीट के माध्यम से, क्योंकि बैलेंस शीट ही बताती है कि हमारी कितने ऋण आता है, कितना स्टॉक आया है, कितनी चल संपत्ति है, कितना असेट्स है, कितनी करंट असेट्स है, कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी करंट लाइबिलिटीज है, और कितना लॉन्ग टर्म लोन है, कितना शॉर्ट टर्म लोन्स है, उन सब के बारे में कौन बताता है, हमें बैलेंस शीट बताती है। तो इसलिए कंपनी के वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए, पूरा का पूरा चिट्ठा तैयार करने के लिए क्या करता है, जो व्यापारी होता है वित्तीय लेखांकन का निर्माण करता है। इसके माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी वित्तीय स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। सारा का सारा किसके माध्यम से पता लगाते हैं, बैलेंस शीट के माध्यम से। और बैलेंस शीट के लिए क्या होता है, अशुद्धियों का पता लगाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या बनाता है वो, बैलेंस शीट का निर्माण करता है। बैलेंस शीट के माध्यम से वो सारी संपत्तियों का पता लगा लेता है। इसलिए बोला गया है कि वित्तीय लेखांकन को व्यवसाय का दर्पण कहा जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है, वित्तीय लेखांकन को ही क्या बोला जाता है, व्यवसाय का दर्पण बोला जाता है, क्योंकि इसके साथ ही वो सारा का सारा पूरी वित्तीय स्थिति का क्या करता है, चित्रण करता है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर आता है इसके अंदर व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण। ठीक है, इसके अंदर आता है कि वित्तीय लेखांकन के माध्यम से वित्तीय लेखांकन के माध्यम से व्यवसाय के उत्पादन लागत, जो उसकी कॉस्ट है, लागत, विक्रय, सेल्स तथा लाभ हानि से संबंधित अब देखो, व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण मतलब पूरे के पूरे व्यवसाय पर, पूरे के पूरे बिजनेस पे उसका किस प्रकार कंट्रोल है, और कंट्रोल किस पे डिपेंड है, एक तरह से कि वित्तीय लेखांकन के माध्यम से ही जो व्यवसाय होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको जो सेल्स होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इन सारे के सारे डेटा को क्या करता है वो, एक तरह से एकत्रित करके उसका क्या कर देता है, उसका एनालिसिस कर देता है। एनालिसिस करने के बाद वो क्या डिक्लेयर करता है, एनालिसिस करने के बाद उसके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वित्तीय लेखांकन है वो पूरे के पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण करता है। तो इसलिए इसके अंदर नियंत्रण के अंदर, क्योंकि क्या प्रोडक्शन, कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस सबको क्या करता है, सभी डेटा को एक जगह करके, पूरा एनालिसिस करके, उसका इन सभी का एनालिसिस करके रिजल्ट, परिणामों को बताता है कि उसकी बेसिकली क्या व्यवसाय पर क्या नियंत्रण रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या रही है पूरा का। और अगर कोई गमन में गई है, दिवालिया हो गई कंपनी, तो वो क्या करता है, उसके सुधार हेतु समस्या का समाधान निकालता है, उसका उपचार करने की कोशिश करता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर फिफ्थ नंबर पे, व्यावसायिक हित संबंधी व्यावसायिक
व्यवसाय हित संबंधी सूचना पर उपलब्ध कराना, हित संबंधी सूचना पर उपलब्ध कराना, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि जो व्यवसाय के अंतर, व्यवसाय का एक कर्तव्य होता है कि वो सामने वाले को सभी प्रकार की कंपनी की सूचनाएं दे। इसी के साथ साथ जो श्रमिक होते हैं, जो देनदार होते हैं, मतलब कौन किस श्रेणी में कौन कौन आते हैं, प्रबंधक होते हैं, जैसे प्रबंधक होते हैं, श्रमिक होते हैं, भावी निवेशक होते हैं, समाज होता है, समाज के बाद जो ऋणदाता होते हैं, ऋणदाता के साथ साथ लेनदार और सरकार, जो सरकार होती है। देखो, इन सभी को विशेष प्रकार की व्यवसाय से रिलेटेड जितनी भी सूचना है उसे प्रदान करने का कर्तव्य किसका होता है? व्यापारी का होता है। और वो किसके माध्यम से ही पता चलेगा? वित्तीय लेखांकन के माध्यम से ही पता चलता है, जिसके अंदर प्रबंधक, श्रमिक, भावी निवेशक, समाज, ऋणदाता, लेनदार, सरकार, सभी लोगों को सूचना है कौन प्रदान करता है? वित्तीय लेखांकन प्रदान करता है। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट कर संबंधी विवरण तैयार करना, कर संबंधी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाती है, जैसे कौन से कर होते हैं? आयकर, ठीक है, विक्रय कर, धन कर, सेवा कर, इतने सारे जो कर सरकार के द्वारा व्यापार पे लगाए जाते हैं, जो बिजनेस पे लगाए जाते हैं, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसकी सभी प्रकार की सूचनाएं जो व्यापारी होता है वो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत क्या करता है? शामिल करता है, जिसके माध्यम से हमें गत वर्ष में जितने कर लगे हैं उसकी सूचना हमें एक जगह उपलब्ध हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट, सेवेंथ नंबर का, वित्तीय संस्थाओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना, इसका मतलब होता है कि जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, जो व्यापारी होता है वो वित्तीय संस्थाओं से क्या करता है, एक तरह से धन प्राप्त करता है। तो वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करने के लिए उसे जितना भी बिजनेस में जो लॉसेस हुए या जो प्रॉफिट्स हुए, या कौन सा स्टॉक उसे चाहिए, कंपनी कितने उसमें जा रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, उसके बारे में सारी प्रकार की सूचनाएं कौन व्यापारी किसको देता है? वित्तीय संस्थानों को देता है। और उसको किसके माध्यम से देता है? वित्तीय लेखांकन के माध्यम से देता है। और फिर लास्ट आता है परिणामों से अवगत करना, ऑब्वियसली है कि सारा एनालिसिस करने के बाद हम लास्ट में परिणामों की तरफ पहुंचते हैं। तो वित्तीय लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य कि कंपनी के परिणामों को क्या करना, कंपनी को उससे क्या करवाना, अवगत कराना, ये सारे के सारे आपके क्या थे? वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य थे, ठीक है। अब जो विशेषता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का आपका गृह कार्य है वित्तीय लेखांकन के उद्देश्यों को समझाइए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।